हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ कि आप लोग इंस्टाग्राम की डेट ऑफ बर्थ को चेंज कैसे कर सकते हो। जी हाँ गाइस, अगर आप लोग की भी इंस्टाग्राम की डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो रही है, आप लोग 2022 में इस वीडियो को देख रहे हो, तो इस वीडियो को देखकर आप लोग डेफिनेटली अपने इंस्टाग्राम की डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने वाले हो। तो देख इस बात की वीडियो को पूरा देखिए ताकि वीडियो आप लोग समझ में आए और आप लोग अपने इंस्टाग्राम की डेट ऑफ बर्थ को ठीक कर सकें। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो भी बताने वाला हूँ बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही बताने वाला हूँ। और अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम पर अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है तो इस वीडियो को देखना ज़रूरी है आप लोगों को। इसके नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो पहले से घेर के रखी जिसमें मैंने पहले से बताया था कि इंस्टाग्राम की डेट ऑफ बर्थ 2021 में कैसे चेंज होगी। तो शायद आपको प्रोसेस नहीं रहा और आप लोग अगर देखना चाहते हो तो उस वीडियो को देख सकते हो। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे उस पर मिला है और काफ़ी अच्छे वहाँ पर मुझे कमेंट्स भी मिले हैं। कुछ लोगों की हो चुकी है और कुछ लोगों की नहीं हुई है। तो अगर कुछ लोगों की नहीं हुई है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो यार वीडियो को देखिए। आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को देखकर अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकोगे। सो गाइस, यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर। अब जो मैं प्रोसेस आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप लोगों को कंटिन्यू कर लेना है जिससे आप लोग अपने इंस्टाग्राम की डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने वाले हो। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस बता रहा हूँ उसको आप लोगों को कॉपी कर लेना है, देन उसी तरीके से आप लोगों को करना है। ओके गाइस, सो यहाँ पर मैं अपने अकाउंट में आ गया हूँ। देन आप लोगों को सबसे ऊपर 3 डॉट मिल जाएगी जिस पर क्लिक करना है आप लोगों को। देन जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे सेटिंग का एक ऑप्शन आप लोगों को शो हो जाएगा जिस पर क्लिक कर कर आप लोग आगे यहाँ पर इस तरीके से पेज में आ सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोग बता देता हूँ कि आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ चेंज करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है गाइस, तो मैं अकाउंट में क्लिक कर लेता हूँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पर एक पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग दे देगा, आपकी कौन सी जीमेल, कौन सा फ़ोन नंबर, आपका जेंडर क्या है, सब कुछ बता देगा। ठीक है गाइस, देन अब यहाँ पर ये देखिए जैसे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से प्रोसेस दिखा देता है, मतलब ब्लैंक ब्लैंक सा आ जाता है या कुछ इस तरीके से फेसबुक का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप लोगों को भी इसी तरीके से आ रहा है तो ये वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है। ठीक है, तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर लो। ओके, तो मैं आप लोग बता देता हूँ अब आप लोगों को करना क्या है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को आ जाना है बैक और अब आप लोगों को क्या करना है, मैं फिर से यहाँ पर आ गया हूँ ये देखिए। तो यहाँ पर मैं शुरू से आप लोग बता देता हूँ। ठीक है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग बटन पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। ओके, यहाँ पर अकाउंट सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, इस पर क्लिक करना है आप लोगों को। देन जैसे ही यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लोगे ना, अब आप लोग के सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट्स एंड प्रोफाइल्स, इस पर क्लिक करना है। ओके, सो यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया है। यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो मेरे दोनों अकाउंट यहाँ पर लिंक है। तो यहाँ पर जो मैं करने वाला हूँ वो आप लोगों को ध्यान से देखना है और वही आप लोगों को प्रोसेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने अकाउंट पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम अकाउंट सेंटर, इस पर क्लिक कर देना है। ओके, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर रिमूव काशिफ खान पर क्लिक कर देना है, मतलब जो आपका अकाउंट नाम है वो आ जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इतना काम हमारा हो चुका है गाइस, अब आप लोगों को क्या करना है मैं आप लोग बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए 3 डॉट में फिर से जाना है, आप लोगों को अकाउंट में जाना है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है। ये देखिए यहाँ पर वो जो आप लोगों का इंस्टाग्राम का जो जो फेसबुक का लोगो था वो हट चुका है, आप लोग दोबारा से लगा सकते हो। बट यहाँ पर पहले आप लोग अपनी इंस्टाग्राम की जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी करेंट डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर चेंज कर लीजिए। ठीक है, जो भी आप लोग डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोग चेंज कर लीजिए। ओके बटन पर क्लिक कीजिए, कन्फर्म कर दीजिए और यहाँ पर आप लोग की जो डेट ऑफ बर्थ है वो कन्फर्म हो जाएगी और चेंज हो जाएगी। सो आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी। यार वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इंस्टाग्राम से या फिर फेसबुक से की ट्रिप से कुछ भी रिलेटेड आप लोग पूछ रहे हैं तो यार कमेंट बॉक्स में जल्दी से डाल दो। तो चलता मिलता हूँ नेक्स्ट।